टाटा प्रोजेक्ट्स, सापूजी पालुंजी, एफकॉन्स हो गया, आईटीडी सीमेंटेशन हो गया, लार्सन एंड टब्रो हो गया, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में एक चीज कॉमन है, जानते हो क्या? वो है प्लानिंग पार्ट। इन सभी का जो प्लानिंग टीम होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। और इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कवर करता है वो होता है प्लानिंग का पार्ट। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर चालू होती है तो सबसे पहले जो चीज सारा हैंडओवर होता है वो प्लानिंग टीम को होता है। उन्हीं का रोल होता है कि सारी चीज को प्लान करना है, किसी प्रोजेक्ट को अंदर एक निर्धारित समय में अगर खत्म करना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। रिसोर्स का प्लानिंग, मटेरियल का प्लानिंग, हर चीज का प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। बजट में आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मैन पावर एक्स्ट्रा लग जाएंगे और भी बहुत सारे लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए जब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे ना तो आप लोग को माइलस्टोन फिक्स कर देना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ताकि प्लानिंग के तौर पे आप उसको कंट्रोल कर सको। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि प्लानिंग का आपके सिविल इंजीनियरिंग में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप हाई पोस्ट पे जाओगे तो प्लानिंग के बिना आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि बड़ी पोस्ट पे जो बैठे रहते हैं उन सबको प्लानिंग की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। और आप भी अगर इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हो, एक अच्छे स्किल के साथ ग्रो करना चाहते हो, तो प्लानिंग आपको भी आना चाहिए। तो एक प्लानिंग इंजीनियर का मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो उन लोग को सारे प्रोजेक्ट को प्लान करना पड़ता है, एक एक आइटम वाइज, एक एक एक्टिविटी वाइज। आपको प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करना होगा, उसको ट्रैक भी करना होगा। मॉनिटर इन द सेंस क्या हो गया कि आपको देखना है कि आपका जो प्लानिंग किया हुआ है उसके साथ आपका प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है कि नहीं, अब कहीं लेट तो नहीं हो गया। अगर लेट हो गया है तो उसको वापस से टाइम पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सारा काम होता है एक प्लानिंग इंजीनियर का। तो इस सारे प्लानिंग को करने के लिए आपको कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं। अब ये सब चीज मन में नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब एक बड़ी बड़ी कंपनी कोई प्रोजेक्ट को डिजाइन करती है तो वो छोटे प्रोजेक्ट नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होती है। तो उस प्लानिंग पार्ट को करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आपको मिलते हैं जिसको आपको यूज करके इसको प्लान करना पड़ता है। और उस टूल्स का नाम है प्राइमावेरा, पेसेक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और एमएस एक्सेल। ये तीन वो टूल्स है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और अगर आपको ये आती है ना तो आपको बड़े कंपनियों में काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमावेरा P6 की, जो कि बहुत बड़े बड़े कंपनी जो MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो सब ज्यादातर इसको यूज करती है। मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाओगे तो वहां पे इसके बिना काम ही नहीं होता है। अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की, तो वो एक्सेल का ही एडवांस वर्जन है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो छोटी छोटी जो कंपनी है वो इसको जनरली यूज करती है। तो ये सब सॉफ्टवेयर अगर आप सीख लोगे तो क्या क्या स्किल्स आपको यहाँ पे गेन करने को मिलेंगे। सबसे पहले तो है यहाँ पे कि रिसोर्स प्लानिंग आपको आ जाएगी। रिसोर्स प्लानिंग मतलब एक प्रोजेक्ट में कितना आदमी आपको लगाना है, और इसके लिए आपको पता करना होगा कि एक आदमी कितना काम कर लेगा। इस हिसाब से आप रिसोर्स प्लानिंग करना इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सीख सकते हो। इसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पे टाइम प्लानिंग। किसी प्रोजेक्ट को आप चाहे वक्त तक तो नहीं चला सकते, आपको एक टाइम फिक्स कर देना पड़ेगा, और वो टाइम प्लानिंग आप किसके थ्रू करोगे, इसी सब सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। और ये भी चेक कर सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये टाइम पे तो चल रहा है, कहीं बहुत ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा है या बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं है। ये सारा ट्रैकिंग आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। इसके साथ ही आप कॉस्ट प्लानिंग भी इस पे कर सकते हो। इस पे अलग अलग लेवल की यहाँ पे प्लानिंग होती है। आप इस पे कॉस्ट भी चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, जो बजट है, वो कहीं एक्सीड तो नहीं कर गया। अगर एक्सीड करेगा तो फिर हम लोग कहां पे उसको कैसे मैनिपुलेट करके ठीक करेंगे, वो सब भी आप इसमें कर सकते हो। और साथ ही पे आप यहाँ पे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सब थे वो सब स्किल्स जो आप ये सॉफ्टवेयर सीखते हो तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा बहुत ज्यादा। तो ये सारा चीज अगर आप सीख लेते हो तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड में चले जाओगे, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम मैंने बताए उन सब में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सॉलिटूड एजुकेशन आप लोग के लिए लाया है प्रोजेक्ट प्लानिंग यूजिंग MSP एंड प्राइमावेरा। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग आप कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा दोनों के ही हेल्प से। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है जो आप लोग को साइट पे बहुत ज्यादा मदद करेगी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। इसके कोर्स बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बता दूं तो इसका कोर्स वैलिडिटी आपको यहाँ पे लाइफ टाइम मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे रेगुलर डाउट सेशन होते रहते हैं जिसमें अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी मटेरियल्स चाहिए वो सारा आपको मिल जाएगा, और एट लास्ट यहाँ पे आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इतना कुछ जो मैंने आपको बताया उन सब के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1999 रुपीज, और ये ऑफर प्राइस से प्लानिंग टेक्नोलॉजी के सब्सक्राइबर वालों के लिए है। ऑफर प्राइस वैसे 2999 है, लेकिन अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो
प्लानिंग, PLANNING प्लानिंग, तो ये आपका पड़ जाएगा 1999 ओनली। तो कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूले, तब जाके आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट में यहां से अवेल कर सकते हो, और ये डिस्काउंट आप लोगों के लिए 2 दिन के लिए वैलिड है। तो देर ना करें, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां से ऑफिशियल ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप को इंस्टॉल कर ले और जाके वहां से इस कोर्स के लिए आप एनरोल खुद को कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, जय हिंद।